नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे आरोही मॉडल स्कूल से रिलेटेड। और स्पेसिफिक बात करें तो बात करेंगे कि आरोही मॉडल स्कूल के जो एम्प्लॉय हैं या फिर आरोही मॉडल स्कूल का जो स्टाफ है, क्या वो कभी रेगुलर हो पाएगा। रेगुलर से मेरा मतलब है पक्के होने से। आप ये देखिए कि रेगुलर तो अभी भी हैं, जिस साल से अपॉइंटमेंट हुई थी, यानी कि जो एम्प्लॉय जिस दिन आरोही मॉडल स्कूल में आया था उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा तो हटाया नहीं गया है। एक साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाता है, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा। अब तक आरोही मॉडल स्कूल ने 7 साल पूरे कर लिए हैं जो सबसे पहले लगे थे। कुछ केस से कम भी होंगे जो बाद में लगे हुए थे, परंतु 7 साल पूरे होने के बाद भी वो रेगुलर नहीं हुए हैं। जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उस प्रकार रेगुलर नहीं हुए हैं। आपको यह भी पता होगा कि ये 36 स्कूल हरियाणा के अंदर खोले गए थे, जिनका नाम है आरोही मॉडल स्कूल। इसके अंदर सैलरी दी जाती है 50% स्टेट गवर्नमेंट से और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट से। और ये जो स्कूल खोले गए थे, स्पेसिफिकली खोले गए थे इकोनॉमिक बैकवर्ड ब्लॉक्स में। अब यहां पे जो स्टाफ मेंबर हैं उनके सामने एक बड़ी समस्या है रेगुलर की, क्योंकि बहुत बार आपने भी सुना होगा और उन स्टाफ मेंबर ने भी सुना है कि 5 साल के बाद इनकी सर्विसेज रेगुलर कर दी जाएगी। यानी कि जिस भी प्रकार के स्टेट गवर्नमेंट के बेनिफिट हैं वो सारे के सारे बेनिफिट्स इनको भी दिए जाएंगे, परंतु अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है 7 साल पूरे होने के बावजूद भी। और ये क्यों नहीं हो पाया है इसके बारे में बात करेंगे, और ये बात करेंगे कि क्या वास्तव में ये कभी रेगुलर हो पाएंगे। आपने बहुत बार सुना होगा, या फिर यदि आप आरोही मॉडल स्कूल के एम्प्लॉयज से, उनके स्टाफ से बात करोगे तो बताएंगे कि हमारी फाइल चली हुई है, यानी कि हम बहुत ही जल्द रेगुलर होने वाले हैं। तो ये फाइल किस प्रकार से चली हुई है, क्या ये वास्तविक है और किस प्रकार से काम होगा, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी जान लेते हैं। और आप इसको पूरा जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब आरोही मॉडल स्कूल के बारे में पॉलिसी का निर्माण किया गया, जो फ्रेमिंग हुई थी पॉलिसी की, तो उस समय पे क्या कहा गया था रेगुलर होने के बारे में। जैसा आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, यहाँ पे हरियाणा सरकार लिखा है, सब्जेक्ट है फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स एंड अदर एम्प्लॉय इन 36 आरोही एजुकेशनल बैकवर्ड ब्लॉक। और ये मॉडल स्कूल के तर्ज पे इस्टेब्लिश होंगे, इस बारे में ये बात यहाँ पे कही गई है। थोड़ा सा नीचे यदि हम स्क्रॉल करें तो आपको पता चलेगा कि इसके बारे में सिलेक्शन कमेटी की बात कर रखी है, प्रिंसिपल और हेडमास्टर की कमेटी कैसे होगी, पीजीटी टीजीटी की कमेटी कैसे होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। यहाँ पे आप सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन वगैरह सब चीज़ें देख सकते हैं, परंतु हमारा जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो यहाँ पे है, जो पेज नंबर 2 पे है। और ये मैंने जो रेड एक रेक्टेंगल के अंदर इस्टेब्लिश कर रखा है, बिठा रखा है, तो यहाँ पे आप देखिए कि मेंशन कर रखा है कि रेगुलराइजेशन सेल बी कंसीडर्ड आफ्टर 5 ईयर ऑफ सेटिस्फैक्ट्री सर्विस ऑफ गुड और बेटर देन दैट सर्विस रिकॉर्ड, कि आपके सर्विस 5 साल और उससे ज़्यादा है और बेटर सर्विस है तो आप पक्का हो सकते हैं, यानी कि रेगुलर हो सकते हैं। इंटीग्रिटी आपकी डाउटफुल नहीं होनी चाहिए, ये भी मेंशन कर रखा है। और कैरियर असेसमेंट आपका रिजल्ट और इवेल्युएशन है जो, वो सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, ये यहाँ पे क्लियर मेंशन कर रखा है। परंतु कई हमारे दोस्त ये कहेंगे कि हमारे ज्वाइनिंग लेटर के अंदर वगैरह वगैरह इस तरह की बातें यदि आप करेंगे तो ज्वाइनिंग लेटर में कहीं भी 5 साल के बाद रेगुलर होने की बात कहीं भी नहीं कही गई है। उसके बाद में यदि आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, जो भी आपके काम की बात हो तो उसको आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको पूरा पढ़ने का जो काम है वो नहीं किया है, ताकि समय हमारा बच सके। यहाँ पे उस समय पे जो रिक्रूटमेंट हुई थी, किस समय पे, जब स्टार्टिंग के टाइम पे पॉलिसी फ्रेमिंग हुई थी, तो उस समय पे कितनी पोस्ट थी, ये यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि ये टोटल पोस्ट हैं जो आरोही मॉडल स्कूल के अंदर फिलअप होने हैं, और ये इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं हम दूसरे पीडीएफ फाइल पे, और दूसरी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक आरटीआई का जवाब है, आप यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है कि सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005।
यहाँ पे कुछ चीज़ें और पूछ रखी हैं कि किस स्कीम के तहत वगैरह आरओई मॉडल स्कूल इस्टेब्लिश हुए थे, उनके जवाब दे रखे हैं, परंतु हमारे जो काम की बात है वो यहाँ पे शुरू होती है। और वो क्या है, देखिए, डज हरियाणा गवर्नमेंट रूल्स रिगार्डिंग रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय अप्लाई ऑन द टीचर्स ऑफ दिस स्कूल। क्या सारे जो रेगुलराइजेशन के रूल हैं हरियाणा गवर्नमेंट के, वो अप्लाई होते हैं आरोही मॉडल स्कूल के जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के एम्प्लॉय हैं? और आंसर क्या मिला, आरटीआई के तहत हरियाणा गवर्नमेंट रूल डू नॉट अप्लाई, हरियाणा गवर्नमेंट के रूल अप्लाई नहीं होते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय पे, परंतु एज पर बायला ऑफ आरओई मॉडल स्कूल द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज शैल बी अपॉइंटेड ऑन रेगुलर बेसिस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर ऑफ सेटिस्फैक्ट्री सर्विस। 5 साल के बाद आप रेगुलर जरूर हो पाएंगे, बायला है आरओई मॉडल स्कूल के बारे में। उसके बारे में आरटीआई का और भी जवाब है कि ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में कौन कौन सी प्रोसेस चल रही है, परंतु ये 2015 की बात है, तो ये एक दूसरी पीडीएफ फाइल है। उसके बाद में थोड़ा सा आगे और चल पड़ते हैं, यहाँ पे एक चीज और बताई गई है और वो है रिगार्डिंग रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ इन आरओही मॉडल स्कूल, और ये बात है 4/12/2018 की, यानी 4 दिसंबर 2018 की। अब यहाँ पे इस लेटर को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये क्या यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि सभी कंसर्न पीजीटी या लाइब्रेरियन को जो अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर चुके हैं, जिनका सिलेक्शन होगा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, और उन्होंने 1 मंथ का एडवांस नोटिस दे दिया है अपने प्रिंसिपल को जो आरओई मॉडल स्कूल के हैं, उनको हेयर बाय इन्फॉर्म्ड, उनको इन्फॉर्म किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वो अपना रेजिग्नेशन विड्रॉल कर लें। और ये क्या है, एडवांस नोटिस एंड लेटर ऑफ रेजिग्नेशन एज देयर सर्विस आर गोइंग टू बी रेगुलराइज, कि उनकी सर्विस बहुत ही जल्द रेगुलर होने वाली है, ये नोटिस यहाँ पे है। और ये नोटिस 4/12/2018 का है, और अब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 18 जनवरी 2020 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप ये समझे कि 1 साल से ऊपर बीत गया है, अभी तक इसके प्रोसेस है जो वो कंप्लीट नहीं हुई है, यानी कि ये लोग रेगुलर नहीं हुए हैं। अब यहाँ पे नीचे मेंशन कर रखा है कि दे आर रेंडर्ड अ 5 सर्विस ऑफ सेटिस्फैक्ट्री सर्विस, जिनके 5 साल पूरे हो गए हैं, उनके बारे में ये बात यहाँ पे कहता है। थोड़ा सा और नीचे मैं एक चीज़ और दिखा देना आपको चाहता हूँ यहाँ पे, इसके बारे में बाद में बात करूँगा, परंतु ये भी ज़रूरी है कि 18 जनवरी 2020 को द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर के अंदर एक खबर छपी, और वो क्या थी कि 24 स्कूल फ्लंक्स क्लास 10th रिजल्ट 0। हरियाणा बोर्ड के द्वारा 24 ऐसे स्कूल ढूंढे गए जिनका 10वीं का रिजल्ट 0 था। और एक चीज़ देखनी है यहाँ पे, मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देखिए, इन 24 स्कूल्स के अंदर एक स्कूल था आरओही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन पलवल, और ये गांव का नाम है अली ब्राह्मण विलेज। इसके साथ में और भी बहुत सारे स्कूल थे, परंतु जो बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल बाकी जो थे उनका रिजल्ट तो 0 था ही, परंतु यहाँ पे एक आरओही मॉडल स्कूल का भी रिजल्ट 0 है। और ये आरओही मॉडल स्कूल एक मॉडल स्कूल की तर्ज पे इस्टेब्लिश किए गए हैं। इनका मेन मकसद क्या है कि रिजल्ट अच्छा देना, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आरओही मॉडल स्कूल के अंदर वो बच्चे जाते हैं जिनका टेस्ट होता है एक इंट्रेंस टेस्ट, कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होता है, जो बाकी गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल के अंदर जो भी बच्चे हैं वो टेस्ट क्वालिफाई करके वहाँ पर पहुँचते हैं, उसके बाद भी रिजल्ट खराब है तो ये एक सोचने वाली बात है। और इसके बाद मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा कि ये नुकसानदायक किस प्रकार से है आरओही मॉडल स्कूल के स्टाफ के लिए। तो ये यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद मैं एक और नोटिस आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है 5 फरवरी 2018 का। यहाँ पे क्या है, ये देखिए, रिगार्डिंग रेगुलराइजेशन ऑफ एम्प्लॉय हु हैज कंप्लीटेड 5 ईयर कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस, ये सारा आरओही मॉडल स्कूल के बारे में है, और उनके बारे में नोटिस निकाला गया है कि जो 5 साल पूरे कर चुके हैं आरओही मॉडल स्कूल में।
और यहाँ पे नीचे पूरे लेटर को ध्यान में रखने के बजाय यहाँ पे यदि हम देखें यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड द केस ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉयज के केस मांग लिए कि जिन्होंने 5 साल पूरे कर लिए हैं उनके केस भेज दिए जाएं, और ये लेटर जारी किया गया है डीएससी के द्वारा, डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन के द्वारा ये जारी किया गया है। और इसके अंदर ये नीचे एक परफॉर्मा दे रखा है, इस परफॉर्मा को फिल करके आपको भेजना था, और ये कोर्ट केस या इंक्वायरी सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी यहाँ पे बात कही गई है। उसके बाद में फरवरी 2018 के बाद में अब 2019 की 2020 आ गया है, 2 साल बीत गए तो अभी भी ये चीज़ नहीं हो पाई है। अब आगे देखिए एक और यहाँ पे क्या है, रिगार्डिंग रेगुलराइजेशन ऑफ एम्प्लॉय हु हैज कंप्लीटेड 5 ईयर कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस, ये 30/10/2018 का नोटिस है, दोबारा से फिर मांगा गया है। और वो क्या है ये देखिए यहाँ पे है कि आपसे दोबारा रिक्वेस्ट की जाती है कि जो पेंडिंग केस है एम्प्लॉय के, उनके प्रेस्क्राइब परफॉर्मा में विद सर्विस बुक, सर्विस बुक के साथ में जिन्होंने 5 साल पूरे कर लिए हैं और ये टिल डेट जो प्रेजेंट स्कूल में हैं उन केस को भेज दिया जाए ताकि रेगुलर होने का प्रोसेस आगे बढ़ाया जा सके। तो ये तो इन्फॉर्मेशन थी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की मैं बात करूं तो ये रिगार्डिंग है उन लोगों के लिए, उन कैंडिडेट्स या उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो आरोही मॉडल स्कूल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। अब बात ये आती है कि अब प्रोसेस तो चल ही रहा है, ये रेगुलर हो ही जाएंगे, ऐसी बात आपने खूब सुनी होगी, परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कितना लंबा प्रोसेस चलेगा इस बारे में ज़रूर हमें सोचना चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट ये सपोर्ट करते हैं कि आरओई मॉडल स्कूल के जो एम्प्लॉय हैं वो रेगुलर होंगे, परंतु कुछ बातें हमें ध्यान भी रखनी चाहिए और मैं आपको उन बातों की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, उन बातों को भी आप जरूर समझ लें। दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं। देखिए मोस्टली आरओही मॉडल स्कूल जो इकोनॉमिक बैकवर्ड ब्लॉक्स के अंदर खोले गए थे उनमें से कुछ चुनिंदा स्कूल को छोड़ दिया जाए, मैं बताना चाहता हूं आपको 5 या 6 स्कूल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी स्कूल्स के अंदर बहुत ही बुरा हाल है। बुरा हाल किस लिए है, वहाँ पे पढ़ाने के लिए स्टाफ नहीं है, उसके बाद में स्टूडेंट्स नहीं हैं, और एक स्कूल का तो आपने देख ही लिया है कि वहाँ पे तो 0 रिजल्ट रहा 10वीं क्लास का पिछले साल का। तो इसी प्रकार से बाकी स्कूल्स की भी यदि आप तुलना करेंगे, बाकी स्कूल्स को भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे स्टूडेंट की संख्या बहुत ही कम है, और स्टूडेंट स्ट्रेंथ ना होने के कारण एक समस्या आ जाती है, जो स्कूल जिस पर्पज के लिए खोले गए थे वहाँ पे फीडिंग ही नहीं होगी, यानी कि स्टूडेंट्स ही ना होंगे तो किस प्रकार से स्टाफ को रेगुलर किया जाएगा, क्या सरकार घर बैठा के सैलरी देगी, तो बहुत बड़ी समस्या है ये। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो चाहे आप किसी भी कोर्ट में चले जाएं, चाहे आप इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएं, तो भी आप रेगुलर नहीं हो सकते, यानी कि यदि रेगुलर हैं तो भी आपका डिपार्टमेंट बदला जा सकता है, आप हटाए जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है स्टूडेंट्स फीडिंग की, यानी कि स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ होना जरूरी है, परंतु आरओई मॉडल स्कूल के अंदर देखने से पता चलता है कि वहाँ पर स्टूडेंट्स की बहुत भारी कमी है। हाँ कुछ स्कूल ऐसे ज़रूर हैं 5-6 स्कूल जिनके अंदर स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, परंतु बाकी स्कूलों के अंदर देखा जाए तो बहुत ही बुरा हाल है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक स्टूडेंट्स की संख्या अप्रोप्रिएट नहीं होगी सरकार शायद इस प्रकार का डिसीजन नहीं ले पाएगी। तो हमें क्या करना होगा, सभी स्कूलों के अंदर स्ट्रेंथ बनानी होगी, और ये बात सही है कि बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स से हम गो थ्रू हो गए हैं कि वो रेगुलर हो सकते हैं ऐसा प्रोसेस में बताया गया है, परंतु आपके अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर ये लिखा हुआ नहीं है कि आप 5 साल के बाद रेगुलर हो जाएंगे। परंतु यदि बात करें आपके जब रूल रेगुलेशन बनाए गए थे आरओही मॉडल स्कूल के, उसके अंदर ये बात जरूर लिखी हुई है और इस पॉलिसी के ऊपर इंप्लीमेंट हो सकता है यदि हम पॉलिटिकल प्रेशर बनाएं या फिर सरकार के साथ मिलकर काम करें। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ाएं तो हम रेगुलर हो सकते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, हमें इंस्टाग्राम पर भी आप जरूर फॉलो करें और हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।